को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 मिति मार्ची शुक्ल संबत ये तो बोलने की होती को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं जय संविधान आप लोग अपने पैरों पर बैठ जाएंगे। 26 नवंबर 2022 को राजकीय छात्रावास सकलेनाबाद में संविधान दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पीजी कॉलेज के गणमान्य प्रोफेसर पहुँचे और वहाँ पर छात्रों को संबोधित करते हुए डॉक्टर जी सिंह ने कहा कि बाबा साहब ने स्वतंत्रता समानता न्याय बंधुत्व वाला संविधान बनाकर हमें एक नए समाज की रचना का अधिकार दिया। और इसी प्रकार डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि हमें आज धर्म और राजनीति को एक साथ लेकर और उसमें हमें एक सांस्कृतिक आंदोलन करने की आवश्यकता है। वहीं डॉक्टर राम दुलारे ने कहा कि शिक्षा संगठन हमारा एक बाबा साहब का दिया मूल मंत्र है जिसे हमें अपनाना होगा। वहीं डॉक्टर योगेश कुमार ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहब के मूल विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम होना आवश्यक है। वहीं डॉक्टर राजकीय महिला डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर संतन कुमार ने कहा कि आज हमें संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और वहीं हम दोनों तिथियों को स्वीकार करके और हमें जन जन तक बाबा साहब के विचारों को पहुँचाने की आवश्यकता है। वहीं छात्र छात्राओं ने भी अपने विचार रखे और हॉस्टल की अधीक्षिका ने सभी लोगों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। धन्यवाद।